नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। सुप्रीम कोर्ट शिवसेना के बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिका पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बीच विवाद पर सुनवाई करेगी। यानी कि 20 तारीख को ये तय हो जाएगा कि आखिर जीत किस कुछ की होगी, शिंदे कैंप की या फिर उद्धव कैंप की। देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार की तकदीर का फैसला 20 जुलाई को होगा। शिवसेना के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के लिए नोटिस देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की तारीख तय हो गई है। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सीवी रमन्ना की बेंच शिवसेना द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करेगी। शिवसेना के ये विधायक शिंदे गुट में चले गए थे, इसके बाद पार्टी विरोधी कार्रवाई के आरोप में विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि जिरवाल ने इन्हें विधायकी के लिए अयोग्य ठहराने के लिए नोटिस भेजा था। नोटिस के खिलाफ शिंदे गुट सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में ये तय होगा कि ये विधायक योग्य हैं या अयोग्य। अगर ये विधायक दोषी पाए गए और अयोग्य ठहराए गए तो शिंदे फडणवीस सरकार की वैधता पर सवाल खड़ा हो जाएगा। विपक्ष की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस के शपथ ग्रहण किए 17 दिन गुजर जाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के संभावित फैसले के डर से मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया जा रहा है और दो लोग मिलकर मंत्रिमंडल चला रहे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र में तब तक राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट शिवसेना के बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका पर अपना फैसला नहीं दे देती। राउत ने नए मंत्रिमंडल के गठन में देरी को लेकर नवगठित एकनाथ शिंदे सरकार पर भी कटाक्ष किया। बारबाडोस की आबादी 2.5 लाख है और फिर भी 27 की कैबिनेट है। महाराष्ट्र की 12 करोड़ की आबादी में 2 सदस्यों की कैबिनेट है जो मनमाने फैसले ले रही है। संविधान का सम्मान कहाँ है? उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार के पतन के बाद एकनाथ शिंदे ने 30 जून को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष से शिवसेना के विधायकों को अयोग्य ठहराने को लेकर कोई फैसला नहीं करने को कहा था। महाराष्ट्र विधानमंडल सचिव राजेंद्र भागवत ने शिवसेना के 53 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को 40 नोटिस भेजे गए और अन्य 13 नोटिस उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट को भेजे गए। लेकिन अब फैसले की घड़ी पास आ गई है। 20 तारीख को सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिस फैसले पर शिवसेना के नेताओं की नजर गड़ी हुई है कि कहीं कुछ चमत्कार हो जाए तो क्या पता दोबारा सरकार में आ जाएं, लेकिन उद्धव ठाकरे और संजय राउत को ये उम्मीद छोड़ देनी चाहिए क्योंकि अब खेल पलट चुका है और वापसी की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।